ओके तो वंस अगेन वेलकम। वो वीडियो यहीं पे स्टॉप हो गई थी, सॉरी गाइस फॉर डेट। तो मैं इसको दो पार्ट में अपलोड कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट वहीं से चालू कर रहा हूँ। वहाँ पे पता नहीं हमारी वीडियो हर कभी स्टॉप हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता, जब भी मैं बार बार चेक करता हूँ। तो चलिए छोड़ दीजिए सब बात को, कहाँ थे हम यहाँ पे कि कहाँ थे भाई, हाँ एफ एन एफ ई के बराबर था और ये चार्ज यहाँ पे से चल रहा था, ठीक है। अब ये चार्ज यहाँ के आते आते इसकी एनर्जी जीरो हो गई और हमने क्या मान लिया था कि एफ एन एफ ई में मान लिया था 10 है। तो अब क्या होगा कि ये एनर्जी इसकी जीरो हो गई, मीन्स ये दोनों अब क्या हो जाएंगे, मीन्स अब क्या हो जाएंगे, ये दोनों अनबैलेंस हो जाएंगे। तो भाई साहब अब ये अनबैलेंस हो गए और जैसे ही मगर ये एफ एन मान लो ये 9 हो गया, तो क्या होगा जैसे ही अनबैलेंस हो गए तो जो फिर से जो हमारा नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स है फिर से वो क्या करेगा, ये पॉजिटिव को ये घसीटते हुए, मैंने लाइन मैंने घसीटते हुए वापस ये पॉजिटिव की तरफ खींचने लग जाएगा। मैंने क्यों बोला घसीटते हुए बोला, मैंने इस वजह से एक मतलब उसके वजह से बोला कि एक चीज आपको ध्यान में रखेगा, अगर आपने घसीटना याद रखा तो इसका मतलब कि घसीटना मतलब अगर ये यहाँ से यहाँ इसको लेते हुए जाएगा तो अब ये कुछ ये गैल्वेनिक सेल है, जो केमिकल प्रोसेस है, इससे सेल का भी तो कुछ वो होगा, हमारा क्या होगा रेजिस्टेंस, वो जो इसको अपोज करेगा तो उसको वो टॉलरेट करना पड़ेगा, इसके वजह से वो भी क्या ले जाएगा, घसीटते हुए ले जाएगा। तो मान लेते हैं लेट इट बी ये होता, लेट इट बी स्मॉलर एंड इट इज नॉन एज इंटरनल, इसको हम क्या कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारा V इजिकल्स टू आई। तो अब मैं ये लिख सकता हूं कि यहां पे बना देता हूं, तो मैं ये लिख सकता हूं कि जो हमारा V है इजिकल्स टू E माइनस आई आर। तो ये मैं स्टेटमेंट लिख सकता हूं, अरे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब चीज गौर से सुनिए, अभी आ जाएगा। मैंने ये भैया ऐसा क्यों लिख दिया यार, V इज योर टर्मिनल वोल्टेज, व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज, this is your EMF and okay and this should be okay, so and this is your internal resistance, so V is equals to E minus IR। अब चलिए इस चीज को समझते हैं कि अपन ने ये क्यों लिख दिया V is equals to E minus IR। अब हमें देखिए पता है कि जब अपन जिसे वहां से लाते हैं, अपन बाजार से लेके आते हैं बैटरी 9 वोल्ट की 10 वोल्ट की, तो वो होता है उसका मैक्सिमम वोल्टेज वो होता है EMF, वो क्या होता है EMF होता है, ठीक है EMF। अब हमें खेल ये बात तो पता है कि हम वो बैटरी को काय के लिए लाते हैं या चार्ज को ग्लो करवाएंगे, जो आपकी मर्जी है वो करवाएंगे, सॉरी बल्ब को, तो क्या होता है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो जब ये अलग प्रोसेस होता है तो हमें पता है ये प्रोसेस के अंदर ये जो ये होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको क्या करना पड़ता है, ये जो ये पॉजिटिव चार्ज हो जो एफ एन है उसको क्या करना पड़ता है, टॉलरेट करना पड़ता है किस चीज को, रेजिस्टेंस को। तो टॉलरेट करना पड़ता है रेजिस्टेंस को, तो इन द टाइम ऑफ द डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी, ये कंडीशन है डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी की। डिस्चार्जिंग मीन्स आपने इसको कहीं पे बल्ब ग्लो करने के लिए लगा दिए तो बैटरी को, तो जब ये प्रोसेस होता है तो इसको क्या करना पड़ता है, वो टॉलरेट करना पड़ता है वो रेजिस्टेंस को, तो जिसके वजह से जो उसका EMF है वो EMF तो रिया नहीं, ठीक है ना। अब वो EMF तो रहा नहीं, मीन उसमें से IR अमाउंट का क्या हो गया, जो यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जिसको टॉलरेट करना पड़ता है वो कम हो गया, तो वो EMF बचा नहीं। EMF तो क्या होता है कि जो हम बाजार से लेके आते हैं 9 वोल्ट की बैटरी 3 वोल्ट की बैटरी, वो होता है हमारी EMF। अब हमने उसको यूज में लेके आया तो उसकी वजह से पूरा EMF तो रहा नहीं, उसमें तो कुछ तो खर्च हो गया इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसकी वजह से V लिख दिया हमने E माइनस आर, V इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज, ये हमारा है टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल्स वाली, तो ये है हमारा V माइनस ER, इसके वजह से हमने क्या लिख दिया। एंड ये आप याद रखना, दिस केस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। अब आप बोल रहे हैं डिस्चार्जिंग के लिए भैया, चार्जिंग के लिए कौन सा, तो टेंशन मत लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लिए फिर उसकी भी बात करते हैं, ठीक है ना। सो ओके, कमिंग टू द सेकंड टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास विच इज टाइप्स ऑफ बैटरी। अब टाइप्स ऑफ बैटरी क्या होती है, तो मैंने कोई लिखा मिखा नहीं, क्योंकि छोटी सी चीज़ आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी है, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो सेम चीज़ है कि टाइप्स ऑफ बैटरी, एक होती है प्राइमरी एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होती है, टॉर्च में लगी रहती है, एवरेडी के सेल क्या होता है कि आप उसको रिमोट में यूज़ करते, क्लॉक में यूज़ करते, एक टाइम बाद वो क्या होती है एक्सपायर हो जाती है, उसको अपन ये तो नहीं कि फिर रिचार्ज करने लग जाते हैं, उसको रिचार्ज तो नहीं करते ना, अपन क्या करते हैं, क्या कहते हैं भैया एक और सेल क्या कहते हैं कि वो सेल को फेंक दो, इट इज ऑफ यूज एंड थ्रो, ओके। फिर हम दूसरा सेल लेके आ जाते हैं एवरेडी का और लगा देते हैं, तो वो होती है प्राइमरी बैटरी, मीन्स उनको अपन क्या कर सकते हैं रीयूज नहीं कर सकते, ओनली वन टाइम यूज देन थ्रो इट, ओके।
देन सेकेंडरी बैटरी क्या होती है कि उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, मीन डिस्चार्ज हो जाती है फिर चार्ज हो जाती है। एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल्स की बैटरी भैया रिचार्जेबल होती है, या सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होती है लीड स्टोरेज बैटरी। ये फिर से आपने इलेक्ट्रोकेमिकल की पार्टी वही समझा रहा हूँ मैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल में पढ़ा होगा लीड स्टोरेज बैटरी, उसमें कुछ सल्फ्यूरिक एसिड होता है, उसकी इक्वेशन होती है PbSO4। तो क्या होता है तो वो आप केमिस्ट्री में पढ़ना, केमिस्ट्री बुक से आप पढ़ना जरूर, अच्छे क्या क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको, है ना टॉपिक। तो लीड स्टोरेज बैटरी वो क्या हो जाती है कि डिस्चार्ज होती है फिर अपन उसको कनेक्ट कर देते हैं तो वो फिर से चार्ज हो जाती है, ठीक है ना। तो वो होती है सेकेंडरी बैटरी, ठीक है। तो आप यही चीज पढ़ेंगे कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का, उसमें दो हम चीज लेंगे। पहला मान लेते हैं हम चार्जिंग, चलिए पहला मानते हैं डिस्चार्जिंग, ठीक है डिस्चार्जिंग। अब पता है हमें डिस्चार्जिंग बैटरी में क्या होता है, बैटरी जब डिस्चार्ज होती है तो हमें पता है कि जो बैटरी है डिस्चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज कैसे होती है, अपने आपको कनेक्ट कर दिया बल्ब में से कुछ कनेक्ट कर दिया तो क्या होता है, तो डिस्चार्ज कब होती है कि उसके अंदर क्या होते हैं केमिकल प्रोसेस होते हैं, ठीक है केमिकल प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से केमिकल फोर्स जनरेट होता है। तो जो हमारा केमिकल प्रोसेस होता है उसके वजह से हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ओके। तो उसके वजह से हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। अब आपने बल्ब को कनेक्ट कर दिया तो लाइट एनर्जी मिल गई, लाइट ऑफ द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है वो भी, ठीक है ना। तो हमें क्या मिलती है, केमिकल प्रोसेस इलेक्ट्रिसिटी। मींस इस टाइम में डिस्चार्जिंग में क्या होता है कि जो हमारा केमिकल प्रोसेस होता है, जो हमारी केमिकल प्रोसेस होता है, जो हमारी केमिकल एनर्जी होती है वो काई में चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये हमारा काई में होता है अपने डिस्चार्जिंग में, ठीक है। जो हमारी केमिकल एनर्जी होती है वो काई में चेंज होती है अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो ठीक है, तो ये होगा हमारा डिस्चार्ज। अब दूसरी चीज पे आ जाते हैं चार्जिंग, ठीक है चार्जिंग। तो अब चार्जिंग में जैसे सपोज इट होगा, अब क्या कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं काई में केमिकल, तो हमारे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं जिसके वजह से जो हमारे केमिकल्स हैं वो क्या हो रहा है, एक्टिव हो जा रहे हैं, फिर से क्या हो जा रहे हैं वो चार्ज हो जा रही है। तो हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, एनर्जी लिख दूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो काई में कन्वर्ट हो रही है हमारी केमिकल एनर्जी में। प्रोसेस केमिकल प्रोसेस आपको समझाने के लिए लिखा था, ये एनर्जी, ओके। तो क्या हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो काई में कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी। तो ये है ना शॉर्ट मार्क्स के लिए, 1 या 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग प्रोसेस विच एनर्जी कन्वर्ट टू विच, या फिर ऑन द चार्जिंग प्रोसेस, ठीक है। अब हम लेते हैं इसको एक और एग्जांपल, थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। अगर जैसे हम चार्ज कर रहे हैं बैटरी को, मीन्स ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने अप्लाई कर दी कितने मान लीजिए 110 वोल्ट की बैटरी हमने अप्लाई कर दी अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए, ये हमने एक्सटर्नली है ना अप्लाई करी है, ठीक है। तो अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए यहाँ पर हमने एक्सटर्नली 110 वोल्ट की बैटरी अप्लाई कर दी है। अब हमें बताएगा कि जो हमारी एक्सटर्नल बैटरी जब हमने अप्लाई करी है, ओके, मैं बार बार इस वजह से चेक कर रहा हूँ कि हमारी बार बार वीडियो रुक जाती है तो हमें बहुत डर लगता है कितने बार शूट करेंगे हम, ये हमारे ना आप मानेंगे नहीं, थर्ड टाइम में 2 बार इसके पहले वीडियो रुक चुकी है, तो हम बार बार चेक कर रहे हैं, ठीक है। चाहे अब टूटेगी तो टूट जाएगी, अब हम चेक नहीं कर रहे, हाँ तो हम कहते हैं कि बार बार फिर टूट जाता है ना, लेट टूट जाता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हाँ, तो हमने चार्ज करी 110 वोल्ट की बैटरी से, हमें कोई सी भी वोल्ट की बैटरी को चार्ज करना है। अब हमें पता है कि जब हम चार्ज करेंगे तो ये हमारी जो एनर्जी है वो काई काई में खर्च होगी। पहला तो उसका जो EMF है उसको सेट करने में जाएगी हमारी, है ना, EMF सेट करने के लिए। उसके बाद हमें पता है कि दो चीज को उसको क्या करना, टॉलरेट करना पड़ता है, उसमें खर्च होगी। दो चीज कौन कौन सी टॉलरेट करती है, एक तो ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस IR, ठीक है, ज्यादा, और एक टर्मिनल वोल्टेज वाला IR, ठीक है। इसके वजह से उसको खर्च कर, इसकी अपनी एनर्जी क्या होती है, खर्च होती है, ठीक है। अब हम मैंने क्या कर सकते हैं, एनर्जी को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, V इजिकल्स टू W बाई Q एनर्जी को, तो W इजिकल्स टू V क्यू, ओके। तो एनर्जी ये क्या पकड़न क्या हमारा एनर्जी, तो हम एनर्जी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओह क्या कर रहा भाई साहब, काहे गिर रहा हूँ, सॉरी। तो हम एनर्जी W क्या हमारा एनर्जी, तो एनर्जी इजिकल्स टू वी क्यू, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमें पता है वर्क डन इजिकल्स टू वी क्यू एंड वी इजिकल्स टू IR, ठीक है, एंड क्यू इजिकल्स टू IT, ये हो गया, ठीक है ना भाई साहब। देख अरे ये क्यू है, इसको IT मान लिया, तो I into I² RT, ठीक है, ये हो गया हमारा I². तो ये देखिए जो हमारा VIT है, VIT कैसे आया, क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, IT, तो V इजिकल्स टू IT, तो IT यहां से आ रहा है। तो जो हमारा VIT है वो किसके बराबर है, VIT किसके बराबर है, देखिए EIT, ठीक है, ये अपना वो EMF है, EIT प्लस I² RT, ये क्या है हमारा IT वाला, और I² RT वाला इंटरनल रेजिस्टेंस वाला। तो ये जो हमारा VIT वो किसके बराबर है, EIT प्लस I² RT प्लस I² RT के बराबर है, ठीक है। इसमें से मैं क्या कॉमन कर सकता हूँ, IT,
सो वी इज इक्वल्स टू, चलिए कॉमन ही करके दिखाई देता हूँ, ये होगा आई टी, तो इसमें तो मैं आई टी अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ये होगा ई एम एफ प्लस एक आई बचेगा, इसमें योगा आर प्लस इसमें से भी एक आई आर बचे आई बचेगा योगा आर, ओके देन आई टी इज आई टी कौन, देन वी इज इक्वल्स टू दिस ई एम एफ और इसमें से भी मैं आई कॉमन ले सकता हूँ तो दिस आर प्लस योगा, ठीक है इसको इधर लिया तो वी माइनस ई इज इक्वल्स टू आई आर प्लस आर, ओके सो आई इज इक्वल्स टू वी माइनस ई आर प्लस आर, तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमारी रिलेशन आ चुकी है आपके जेई नीट सब में एप्लीकेबल है या बहुत इंपॉर्टेंट आ चुका है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, इंटरनल रेजिस्टेंस आई इज इक्वल टू वी माइनस ई एम एफ आर प्लस आर, यहाँ पे ये कब अप्लाई होगा जो हम क्योंकि जब हमें चार्ज करना पड़ेगी बैटरी को, ये वी कौन सा अपना वोल्टेज हैगा, ठीक है हम जो हम अप्लाई देंगे उसको ई कौन सा जितने ई एम एफ की हमें चार्ज करना है, ठीक है और यहाँ पे जो अपने आर की वैल्यू तो आपको पता ही होगी, तो हमें इससे इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप इसको डायरेक्टली याद रखना कि आई इज इक्वल टू दिस वी माइनस ई आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है तो ठीक है तब हम आगे बात करेंगे, इससे पहले आप इसको क्या कर लीजिए रब कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो ओके हमें तो पता ही नहीं हम कह रहे हैं नेक्स्ट चीज करते ही खत्म नहीं हो गया है आज के जो पॉइंट हमने लिए थे ईएमएफ रिलेशन बिटवीन ई एंड वी टाइप्स ऑफ दी बैटरी, तो ये हमारा खत्म ही हो गई है आज की वीडियो, तो होप अब अपन यहीं पे रुकते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो वो आने वाली है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो पोटेंशियोमीटर पे बहुत ही मजेदार टॉपिक है बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है तो यहीं पे स्टॉप करते हैं, तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमेशा की तरह लाइक करिए सब्सक्राइब करिए शेयर करिए सब दोस्तों में फैला दीजिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।